अगर आप सरकारी बैंकों की शाखा में जाकर कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय काम करवाना चाहते हैं तो आपका काम ना हो पाने की पूरी आशंका है। दरअसल क्योंकि आज 16 दिसंबर है और कल 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था, जिसको रोकने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। लिहाजा इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से भी ज़्यादा ब्रांच में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित अधिकांश बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों के प्रभावित होने को लेकर आगे कर दिया था। आपको बता दें, बैंक यूनियन ने बैंकों के प्रस्तावित प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। इस 2 दिवसीय हड़ताल के चलते पूरे देश में बैंकों के ब्रांच आज 16 दिसंबर और कल यानी 17 दिसंबर को बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 19 दिसंबर को रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। इस तरह पूरे देश में इस सप्ताह बैंक 3 दिन बंद रहने वाले हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक सहित ज़्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया था कि हड़ताल की वजह से चेक संशोधन और कोष हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंकों के निजीकरण के लिए बिल ला रही है, जिसके विरोध में पूरे देश में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो सब 2 दिवसीय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर हैं। कॉरपोरेट के हाथों में जब ये बैंक चली जाएगी और बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो ये सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी के लिए ही नहीं दुखद होगा, बल्कि देश के आम जनता के लिए भी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदायी होगा। छोटे उद्यमियों, शिक्षा ऋण, लघु उद्योग जो कर्मी हैं, बचत खाता, इन सब पर जो प्रोसेसिंग फी है, जो उनका चार्जेज है, वो बहुत इसी जनता के हित के लिए और देश को बचाने के लिए हम लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया और यह हड़ताल गया में पूर्णतः सफल है। सारे बैंक गया के बंद है। आज 2 दिवसीय हड़ताल पे यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बैनर के तले लगभग 10 लाख कर्मचारी अधिकारी स्ट्राइक में हैं। कारण कि सरकार के द्वारा जो बैंकिंग अधिनियम में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, यह एक तरह से बैंकों को प्राइवेट करने की प्रक्रिया का पहला चरण है। सरकार लॉसेस को घाटे का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और प्रॉफिट का निजीकरण कर दिया है। जो संस्थाएं घाटे में जा रही हैं उनको वो सरकारी संस्थानों को उपलब्ध बेच रही है और जो संस्थाएं प्रॉफिट में हैं उनके लिए वो प्राइवेट खरीदार की व्यवस्था कर रही है और ये उसी का एक पार्ट है। आज उसी के आंदोलन के तहत 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी आज सड़कों पे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए खड़े हैं। कहीं न कहीं इस प्राइवेटाइजेशन से अधिकारी कर्मचारी तो प्रभावित होंगे ही, आम जनता भी प्रभावित होंगे। आज का जो हड़ताल है और आज और कल 2 दिन का हड़ताल है हमारा, 16 और 17, और 2 दिन का हड़ताल जो है पूरे बैंक इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने में सरकार लगी हुई है। और अगर बैंकिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गया तो देश की जनता जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बर्बाद हो जाएगी कि जो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में जो रेगुलेशन है लोन देने का, वो गरीबों को लोन दिया जाता है और जो वंचित है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको रोजगार के लिए लोन दिया जाता है। बट अगर ये जो सरकार के जो योजनाएं चलते हैं उसके अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो निजीकरण होगी तो वो बंद हो जाएगा। यानी पूर्ण रूप से जो गरीब जनता है, जो मंझोले किसान है,
उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। निजीकरण में जो व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के लिए है, सिर्फ पूंजीपति ही आगे आएंगे और जो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो और गरीब होते जाएंगे और वो गुलाम हो जाएंगे इस देश का। इसलिए सरकार चाहती है कि गरीबों को और गुलाम बनाओ। ये सर, आज के इस बंद में प्राइवेट बैंक का समर्थन मिल रहा है क्या आपको? आज के इस बंद में प्राइवेट बैंक समर्थन कर रही है? अब प्राइवेट बैंक समर्थन नहीं कर रही है, बट हम समर्थन उनसे ले रहे हैं और वो समर्थन दे रहे हैं। जब हम उनके पास जा रहे हैं बैंक बंद करने के लिए, तो हमारे समर्थन में बैंक बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं पब्लिक से और कहीं न कहीं हमसे सरोकार है, क्योंकि वो भी इसी क्लास के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए, इसी देश के लोग हैं। तो बैंक बचाओ और देश बचाओ, ये हमारा नारा है। और निजीकरण बंद करो, और निजीकरण अगर होता है तो फिर देश गुलामी की ओर बढ़ेगा।